नेटिव हूँ। आवाज नहीं करो बेटा, आप लोग बातें कर रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग बातें कैसे करते हो, मतलब आप चैटिंग हो जाती है क्या आपस में एक दूसरे से, होता है कैसा? नो सर, अभी दो बच्चे बात कर रहे थे बेटा, इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो आपके सबके पास बुक है क्या? यस सर। यस सर। देखो अगर बुक है, सुनो, अगर किताब है तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और अगर बुक नहीं है, मतलब कोई बच्चा हो नया, तो बेटा एक बार इस पोएम को लिख लो, दो मिनट का समय लगेगा। हमने डेस्कटॉप सुनो पढ़ी थी ना, सबको समझ में आ गई थी? यस सर। तो अभी जो है आपको, जो बच्चा लिखना चाहता है फटाफट से इस पोएम को लिख लो, फायर एंड आइस, बहुत अच्छी पोएम है, रिकॉर्ड क्लास में देखना उसको, अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप एक बार इसको लिख लो। कोई बच्चा लिखना चाहता है क्या? यस सर। बेटा लिख लो, फिर दो मिनट का समय दे देता हूँ मैं आपको, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। कोई लाइन समझ में नहीं आया, एक बार आप लोग ही मैच कर लेना बेटा अपनी बुक में, कहीं लिखते समय मेरे से कोई शब्द तो दूसरे नहीं लिख दिए हो, या फिर ऊपर नीचे लाइन तो नहीं होगी, एक बार सारे बच्चे चेक कर लेना और मुझे बता दो, यस सर ऐसा ही लिखा हुआ है बुक में भी, है ना? सभी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं ये बात, जागृति, कनिका, लोकेश, महेश, बेटा ये चेक करके एक बार देख लेना लाइन सही तो लिखी है ना मैंने, सभी बच्चे, आर्यन, अक्षिता, नंदिनी, बेटा सभी एक बार चेक कर लेना। सही है सर। ओके, सही है सर। अब जो बच्चा लिख रहा है ना, वो बच्चा जो है बोल देना कि सर मैंने लिख लिया है, अब आप पढ़ाना शुरू करो, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आप रिकॉर्ड क्लास में जरूर देखना इसको, उसमें इसमें भावार्थ भी बता रखा है मैंने, अगर आपने देखा हो तो, जो नहीं देखा वो भी देखना, कुमाऊत क्लासेस जयपुर, उसमें जो है देखना जरूर। आपकी और पोएम कल बना दूंगा मैं, चार पांच पोएम बना के और अपलोड कर दूंगा, उसमें देखना, फिर पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद आपको क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगेगा। जो बच्चा लिख रहा हो वो लिख ले तो मुझे बोल देना बेटा। सर। हाँ बेटा। मेरे को नोट्स दे देना, मैं नया एडमिशन कराया हूं। नोट्स कुछ भी नहीं है, नोट्स के लिए ये है, मैंने पहले भी कहा था, नोट्स मैंने सिर्फ बनवाए हैं आपको यहीं पे ही पढ़ाते समय, और जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, किस चीज के नोट्स चाहिए आपको? ठीक है सर, मैंने पूछा किस चीज के नोट्स चाहिए थे आपको, क्लास में से ही बनाना पड़ेगा, आपको एक्टिव पैसिव है, वॉइस है, नरेशन है, आप उसमें जाकर के देख लो, नरेशन कुमाऊत क्लासेस उसमें मिल जाएगा, वही पढ़ा रखा है मैंने सारा, इंग्लिश में कोई नोट्स नहीं है बेटा, स्टार्टिंग में सब बच्चों से मैंने ये बात कही थी। कोई बच्चा लिख रहा है क्या बीबी? यस सर। हाँ जल्दी मानस बंधु, जल्दी लिख के बताओ। सर मैंने तो लिख लिया। हाँ अंकित बहुत स्पीड से लिखता है, एक मानस है जो अपना मन से लिखता है।
सर लिख लिया। ओके चलो अब समझो इसका अर्थ समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये दूसरी पोएम है तो एक ही पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम हमने पढ़ी, एक पोएम हमने पढ़ी है डस्ट ऑफ स्नो, है ना, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी स्नो है मतलब बर्फ है, वो आइस के रूप में दे रखा है। लेकिन कहते हैं ना एक शब्दार्थ अलग होता है एक भावार्थ अलग होता है, दोनों को समझेंगे हम जहाँ तक है। इसमें कहा है ये अंकित बेटा अपनी ये हटा ले, जो स्टेटस लगा रखा है उसको हटा ले, अंकित इस स्टेटस को हटा ले बेटा, बहुत अच्छी बात रहेगी, अपना नाम ही दिखना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से स्टेटस में दूसरा स्टेटस लगा दूंगा तुम्हारा भी। देखो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय द ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब भी आपके सामने लाइन पहचानने में आ जाए तो आपका रेफरेंस बनेगा, क्या बनेगा आपको पता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस, इट वॉज कम्पोज, इट वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अंकित मैंने तुमसे कुछ बोला है, समझ में नहीं आया क्या अभी तक कुछ भी? क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब आप सोचते होंगे कैसे क्लास से बाहर निकालूंगा, नहीं मतलब लगाना जरूरी है कोई ना कोई इमेज, है ना। देखो फायर एंड आइस, सीधे सीधे शब्दों में देखें तो फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बच्चों बर्फ, ठीक है, फायर एंड आइस। और दूसरे रूप में बात करें अगर हम इसको लेकर के कि फायर एंड आइस क्या है, पोएट क्या बताना चाहता है ये, तो आप चाहो तो दूसरे अर्थ में लिख सकते हो। फायर का मतलब देखो यहाँ पे भी दे रखा है डिजायर, फायर का मतलब डी ई एस आई आर ई, पेंसिल से आप लिख सकते हो। और आइस, आइस का मतलब होता है हैट, एच ए टी ई। फायर एंड आइस जिसका हम अर्थ लेके चलते हैं डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा यानी कि तृष्णा, शब्दों पे जाएं अच्छे से तो फायर, फायर एंड इच्छा, डिजायर तृष्णा, आइस, आइस एंड नफरत, हैट, ठीक है। देखो समझना इसका अर्थ क्या है, पोएट क्या बोलना चाहता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कभी क्या कहना चाह रहा है, सम से कुछ लोग कहते हैं, सम से यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, ये जो संसार है विल एंड, इसका अंत आ जाएगा, मतलब इस संसार का विनाश हो जाएगा, एंड का मतलब अंत विनाश, कि संसार का विनाश हो जाएगा इन फायर, किस में हो जाएगा, आग में, यानी कि डिजायर में, यानी कि तृष्णा में, यानी कि लालसा में, यानी कि लालच में, कि संसार का जो विनाश होगा ना वो लालच में होगा। कैसे होगा देखो थोड़ी देर के लिए एक बात बताता हूँ आपको, अभी जो है कोविड चल रहा है, इट्स अ पैंडेमिक, एक महामारी, आप सबको पता है कोरोना, है ना। ये कोरोना के लिए कहते हैं कि ये चीन से आई है, चीन के वुहान सिटी से, वहाँ एक प्रयोगशाला है, वहाँ से ये बीमारी आई है। क्यों आई है, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकली बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर बात देते हैं कि चीन के पास इसका एंटीट्यूड है, यानी इसकी दवा भी है, तो दवा है तो चीन ने लालच किया और इस बीमारी को फैला दिया, ऐसा बताते हैं कि फैला दिया ताकि लोगों को हमारी जरूरत पड़े, हम दवा दें और लोग हमें माने। तो चीन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर फायर किया, लालच किया, तृष्णा की, समझ गए होंगे, हाँ, तो वही चीज है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड, कुछ कहते हैं संसार का विनाश हो जाएगा इन फायर, तृष्णा में, आग में, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं इन आइस
कि संसार का विनाश नफरत में हो जाएगा, आईसानी वर्थ में हो जाएगा। देखो कभी भी कविता का अर्थ शब्दों से अलग होता है, आइस का मतलब बर्फ में नहीं होगा, ध्यान रखना नफरत है यहाँ पर। तो आप जरूर लिखना फायर एंड आइस, ईर्ष्या मतलब क्या बोलते हैं तृष्णा और नफरत, डिजायर और हेट आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये पोएम जो है ना एक डिबेट है, डिबेट जानते हो ना, एक वाद विवाद, लोग कुछ क्या बोलते हैं ऐसा होगा, कुछ बोलते हैं ऐसा होगा, इस वजह से होगा, कुछ कहते हैं फायर की वजह से होगा, कुछ कहते हैं आइस की वजह से होगा, समझ गए, कुछ ने कहा डिजायर कारण बनेगा, कुछ कहते हैं नफरत कारण बनेगा, हेट कारण बनेगा। तो यहाँ पहली लाइन में, पहली लाइन में पोएटी कहना चाहता है कि समसे कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का विनाश हो जाएगा इन फायर आग में, समसे इन आइस कुछ कहते हैं बर्फ में, ठीक है ना। अरे हाना तो बोलो। यस सर। पहली लाइन के अंदर दो बातें हैं, एक तो हम सीधा सीधा लेके चलते तो ये है कि संसार का विनाश आग में हो जाएगा, संसार का विनाश बर्फ में हो जाएगा। दूसरी बात कहें तो संसार का विनाश का कारण जो है तृष्णा बनेगी, डिजायर बनेगी, और कुछ कहते हैं संसार के विनाश का कारण क्या बनेगी, नफरत बनेगी, हेट बनेगी। अब आगे देखते हैं, अब पोएट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड का मतलब बच्चों यहाँ पर जांच परख, यहाँ पर अनुभव लेना, सीधा हम अनुभव से ले सकते हैं, अनुभव, मैंने इस बात का अनुभव लिया है, पता लगाया है, फ्रॉम व्हाट, इन सब को लेकर के आई हैव टेस्टेड, मैंने इसका एक्सपीरियंस क्या होता है एक्सपेरिमेंट किया, इस पर इसका प्रयोग किया, इसका अनुभव लिया, तो पता क्या लगा पोएट को, ऑफ डिजायर, कि संसार का विनाश का कारण क्या बनेगी, डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, फायर, कि संसार का जो विनाश होगा वो डिजायर की वजह, तृष्णा की वजह से होगा, मैंने इस बात का अनुभव लिया। और इसके साथ साथ दूसरी बात और क्या बोल रहा है, मैंने कहा डिबेट है, पोएट यहाँ पर दोनों बातें कर रहा है, क्या कहता है, आई हैड होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज, मैं उस लोगों के पक्ष में भी हूं कि जो लोग कहना चाहते हैं किसमें, फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि जो फायर के पक्ष में है, मैं उन लोगों के साथ हूं कि संसार का विनाश का कारण आग ही बनेगी, तृष्णा ही बनेगी, लालच ही बनेगा, इस बात का मैंने अनुभव लिया और मैं लोगों के फेवर में हूं, उनके पक्ष में हूं। यहां तक एक बार रीड करो आप, ये लाइन अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन इसका हिंदी अनुवाद आ जाना चाहिए, एज ए होमवर्क आपको हिंदी अनुवाद ही करना है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी पोएम में हमेशा हम दो बातें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, इसमें दो पढ़ाया था, एक पढ़ाया था आपको रेफरेंस और एक पढ़ाया था कंक्लूजन। तो एक बार यहाँ तक रीड करके देखो फायर, फिर आगे पढ़ेंगे आइस के बारे में। यस पढ़ो, जो नहीं आए समझ में वो पूछ लो। मौसम की वजह से थोड़ा काम लग गई भीगने से, क्योंकि आप लोग तो घर में बैठ के पढ़ रहे हो, हमें तो आना पड़ता है भैया इसको, बारिश आए आप लोग वेट करते हो कि सर आएंगे पढ़ाएंगे।
पढ़ लिया क्या? सबको समझ में आ गया? क्या बात है ईशा, सर नीचे वाली दो लाइनों का दोबारा बता दो एक बार। ओके, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट के मतलब जो ये बातों का पता चला, इन दोनों बातों को लेकर के, फॉर व्हाट, इन सब में आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव लिया, मैंने प्रयोग किया, मैंने पता लगाया, ऐसे भी रूप में ले सकते हो, ऑफ डिजायर, किसके बारे में पता लगाया, मैंने पहले फायर के बारे में पता लगाया, मैंने पहले तृष्णा के बारे में पता लगाया, तो क्या पता लगा, आई होल्ड दोज विद दोज, तो मुझे ये पता लगा कि वो लोग हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि संसार का विनाश का कारण जो है फायर बनेगी, मैंने अनुभव लिया तो मुझे पता लगा कि संसार के विनाश का कारण जो है तृष्णा बनेगी, डिजायर बनेगी, फायर बनेगी। मतलब उन लोगों के मैं पक्ष में बात करता हूँ जो लोग किसके पक्ष में है, फायर के पक्ष में। मैंने कहा डिबेट है, कभी दोनों बात कहेगा कि मैं उनकी बातों को भी कहता हूँ कि हाँ लोग ये मानते हैं, और मैं उसकी बातों भी कहूंगा दूसरी वाली कि लोग ऐसे मानते हैं। तो फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इस बात का अनुभव लिया डिजायर के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मुझे ये पता लगा कि लोगों को, लोग उसके बात में फेवर में है, पक्ष में है कि संसार का विनाश का कारण फायर बनेगी। ठीक है, और देख लो कोई बच्चा, टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट अभी, तो फिर आगे बताता हूं। और आप जब को टाइम मिल जाए आपको, तब भी आप पढ़ना इसको, पोएम सारी पढ़ना, बहुत जल्दी मैं इनका एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करने वाला हूँ। अंकित क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अपनी वॉइस, नो सर, वॉइस ऑन कर रखे, फिर वॉइस को ऑफ रखो, आप आवाज आती है आपकी तरफ से। हाँ, आप देखो, अब पोएट बोलता है, बट इफ इट had to perish twice, I think I know enough of hatter to say that for destruction eyes is also great and would suffice। देखो यहाँ तो बोल दिया पोएट ने कि फायर की वजह से, और यहाँ पर बोल रहा है कि आइस की वजह से, क्या? But किंतु if it had to perish twice, पेरिस का मतलब विनाश, डाई, समझना, पेरिस का मतलब होता है मरना या विनाश होना, ट्वाइस यानी दो बार, कि इफ इट इज, इट हैड टू, इट मतलब संसार को लिया इसने, इट का मतलब संसार के लिए लिया है यहाँ पर, किंतु यदि संसार को हैड टू पेरिस, संसार को दो बार मरना पड़े, या संसार का विनाश ट्वाइस यानी दो बार होए, संसार का विनाश अगर दो बार होता है, इस लाइन का अर्थ अच्छे समझ लेना, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, और यदि संसार का विनाश दो बार हो जाता है या दो बार होना पड़े, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट, इसके लिए क्या पर्याप्त होगी, इनफ यानी पर्याप्त, हैट नफरत, इसके लिए जो नफरत है, जो बर्फ है, जो आइस है, वो पर्याप्त होगी, कि अगर दो बार संसार का विनाश होना, तो डेफिनेटली पॉइंट बोलता है उसका कारण बनेगी नफरत, संसार का विनाश नफरत की वजह से होगा। टू से ये कहना दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, क्या बोलता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इज ऑल्सो ग्रेट, यहां से बना हुआ है आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए जो है ना आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये नफरत बहुत बड़ी है, ये बर्फ बहुत विशाल है, मैं दोनों शब्द लेके चल रहा हूँ, नफरत ही लेंगे वैसे तो, नफरत बहुत बड़ी है, और नफरत ही क्या होगी, एंड वुड सफिस,
पर्याप्त होगी। सफिस का मतलब पर्याप्त, सफिशियंट बोलते हैं ना, उपयुक्त, सफिशियंट है साहब, बहुत अच्छा है, सही है, सुटेबल है। तो पोएट कहता है अगर संसार का विनाश दो बार होना पड़े, संसार को दो बार मरना पड़े, तो मेरा यह मानना है कि उसके लिए नफरत पर्याप्त होगी। क्यों? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि विनाश के कारण, बर्फ के कारण ही इसका विनाश होगा, एंड वुड सफिस, बर्फ ही जो है वो पर्याप्त होगी। अब एक बार आप इसको और पढ़ो, फिर दोबारा से मैं पूरा और समझा दूंगा। देख लो, दो तीन मिनट का समय देता हूँ, आप एक बार यहाँ से बट से लेकर के सब इस तक और रीड कर लो। कोई अर्थ समझ में नहीं आए, हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आए, वो पूछ लो। इसकी दो बातें जरूर लिखना, हिंदी अनुवाद करने के बाद में आपको उसी अगले पेज में जो है इसका रेफरेंस लिखना है, जैसा मैंने पढ़ाया था, फिर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, और फिर कंक्लूजन जो करना है, क्रिटिकल नोट, उसमें मैंने लिखाया था शॉर्ट पोयम, लव पोयम, है ना, गिव्स अस ए लॉट ऑफ नॉलेज, इंस्ट्रक्टिव एंड अट्रैक्टिव पोएम ऑल्सो, ये जरूर करना है आपको। देख लो सर, पेरिस और डिस्ट्रक्शन का अर्थ बता दो। पेरिस ट्वाइस का मतलब होता है दो बार विनाश, पेरिस का मतलब बेटा विलुप्त तो होना होता है, कहते ना पेरिस, विलुप्त तो होना। अच्छा हाँ, तो विलुप्त यानी मरना, यानी विनाश होना, कि अगर संसार का विनाश दो बार, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है, और पेरिस का मतलब भी विनाश, मरना पड़े या विनाश होना पड़े, तो उसका कारण। ठीक है सर। ओके, तो एक बार पूरा समझा दो आप शुरू से। यस सर। यस सर। समझना, सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का विनाश फायर में होगा, संसार का विनाश का कारण डिजायर बनेगी। सम से इनाइस कुछ कहते हैं संसार का विनाश का कारण हेट बनेगी, नफरत बनेगी। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जब मैंने अनुभव लिया डिजायर के बारे में, जब मैंने जाना परखा, पता लगाया डिजायर के बारे में, आई होल्ड, तो मुझे पता लगा विद दोज, उन लोगों के बारे में हु फेवर फायर, जो फायर की ओर संकेत करते हैं कि संसार का विनाश का कारण फायर बनेगी। देखे समझ गए आगे ना, अब तो जब मैंने पता लगाया फायर डिजायर के बारे में, तो मुझे पता लगा, आई होल्ड, मुझे पता लगा विद दोज, उनके बारे में हु फेवर फायर, कि लोगों उसका मत रखते हैं लोग अपना मत, कि संसार का विनाश का कारण फायर बनेगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि संसार को दो बार मरना पड़े, संसार का विनाश दो बार होए, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हैट, मैं जानता हूँ पर्याप्त जो कारण होगा वो हैट होगी, नफरत होगी। टू से ये बात कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि संसार का विनाश का कारण बर्फ ही बनेगी, आइस ही बनेगी, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो ये पर्याप्त होगी और यही सबसे बड़ा कारण होगी, वो होगी हैट यानी कि आइस। अब जब आप इसका रेफरेंस लिखेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, बताया मैंने कभी हमेशा कि रेफरेंस ये आपको लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम
फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। हाँ, एक बार ये लकी कौन है? लकी लकी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर रहे हो घर बैठ करके। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? ये जाट जो लगाया तुमने अपने स्टेटस में लगाया, क्या बोलते इसको, आपने लोगो लगाया है, तो क्या साबित करना चाहते हो यहाँ पर? लकी जाट, शायद समझ में नहीं आ रहा है शायद आपको, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब मैं देखो अपनी बात रिकॉर्ड भी होती है, आप जब YouTube चैनल पे जाएंगे जब देखेंगे तो बाद में अपलोड किया जाएगा, तो ये हमेशा रहेगी कि मैंने लकी नाम के बच्चे को ऐसा कुछ बोला है। ये समझ लो आज के 20 साल बाद ही फिर आपका नाम आपके बच्चे देखेंगे ना कि पापा जी आप ही थे क्या ये? ये तो सोच के चलो बेटा कि आप टीचर को अच्छे से टीचर की नज़र से ही पढ़ाने तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि मैं आपको कुछ आप सबको बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे आपको सही तरीके से लाना ही पड़ेगा अपने शब्दों के अकॉर्डिंग। आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपके पास डिवाइस है, आपके पेरेंट्स पता नहीं किस तरह से आपके पास अवेलेबल करवाए होंगे, तो आप उसका गलत यूज क्यों कर रहे हो? अपने घर के बाहर लगा दो ना सारे परिवार की फोटो, सबके नीचे लिख दो जाट 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 जाट, क्या दिक्कत आ रही है? लकी है कौन ये बोल नहीं रहा अभी तक। जैसे ही मैं बच्चे का नाम लेता हूँ, कई बच्चे तो अपना नाम चेंज कर देते हैं, क्या पता चलेगा सर को? बेटा मेरे पास आपकी लिस्ट पूरी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है सबके जो है। कई बच्चे नाम चेंज करते हैं तुरंत ही कि नाम बदल दो सर को कौन सा मालूम चलेगा। अरे तुम बच्चे हो, हम आपके गुरु हैं, आप सोचो आप जो सोचते होंगे उससे चार गुना तो हम भी सोच लेते होंगे, आपसे एक्स्ट्रा ही होंगे चार कदम। तो आपके पास आपके पेरेंट्स भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, मतलब आप पढ़ रहे हैं कि टीचर आपका कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको देखते हैं, आपको मालूम है ना ये। तो कई बच्चों के पेरेंट्स बैठते हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि बच्चे को मिसगाइड नहीं होने देना है, वो आपके ऑब्जर्वेशन में है। हम लोग यहाँ सिर्फ उनको निर्देश दे रहे हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि बेटा आपको इसी लाइन में चलना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असामाजिकता की ओर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा हुआ था, एक बच्चा मोटरसाइकिल पे दिखा रहा था अपने आप को वीडियो चला करके, तो ऐसा गलत कर रहे हैं। तो पेरेंट्स कृपया ध्यान दें उनके ऊपर, उन बच्चे को कॉल भी किया जाता है। जब आप अपना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो ऑन करके आओ तो बच्चा आता नहीं, और यहाँ पर अलग अलग लोगो लगा देते हैं अपना अपना, कोई जाट लगा देता है, कोई अपनी फोटो, कोई हनुमान जी की, कोई बजरंग बली। बेटा मानते हैं भगवान, अपनी आस्था में अपने मन में रखो, यहाँ पर दिखाने से क्या होगा। और ज़्यादा ही लगाना, मैंने कहा अपने घर के बाहर लगाओ ना बढ़िया, ताकि लोग देखें कि हाँ भाई ये भी घर में जाट है, ये भी जाट है, ये भी जाट है। गलत नहीं लेना, किसी को बुरा लगे तो। मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ जो बच्चा इस बात की ओर मुझे मजबूर कर रहा है कहने के लिए, ठीक है? देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ, रेफरेंस आपको लिखना है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। इट वाज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लकी जाट वही बच्चा है क्या? कोई बच्चा समझ गया हो तो बताओ, वही बच्चा है क्या? रोहित जाट लिखा है आपको इसमें? yes, ये वही बच्चा है क्या बेटा ये? यस सर। कौन सा पता है सर? हैं? जी सर, पीटर। वही है जो पहले मेरे से मुलाकात हो चुकी है इसकी एक बार। कोई बात नहीं, पेरेंट्स से बात करेंगे इसके। देखो उसके बाद आपको लिखना है बेटा रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आप करेंगे एक्सप्लेनेशन। हो सकता है कोई बच्चा नहीं पढ़ा हो लास्ट टाइम, एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन मार्क लगाना है या मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको करना है कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन। इसको आप क्रिटिकल नोट के नाम से भी जानते हैं, क्रिटिकल नोट। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ये आपको जो है लिखना है जिसे मैंने लिखा था। बताओ एक बच्चा बोल के क्रिटिकल नोट क्या लिखा है? It is a love poem. It gives a lot of knowledge. It is instructive and attractive poem also. Very good. सारे बच्चे एक साथ बोल गए।
कोई बात नहीं, अच्छा है आप एक्टिव हो। तो ये अपनी क्लास थी आज की, आपकी क्लास हो चुकी है। आप वीडियो को देखना और भी देखना, रिकॉर्ड को भी देखना, और टॉपिक अपनी अगली पोएम जो अपनी छोटी सी वाली पोएम है जो आपने पढ़ी होगी, फॉग वाली पोएम है ना, बहुत छोटी पोएम है, चार लाइन की पोएम, उसको पढ़ेंगे। हाँ, यस सर। ओके बेटा, ठीक है। ओके तो लकी बेटा समझ जाना, क्लास टाइम से लेना और फालतू की बातें नहीं करना।